हेलो मेडिकोस, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गया एक नए टॉपिक के साथ। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आइए एक नए टॉपिक की शुरुआत एक नए दिन से करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आज का टॉपिक है वो हमारा है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ये MBBS फर्स्ट ईयर में शॉर्ट एंसर में पूछा जाता है। लॉन्ग एंसर में ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आइए देखते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। पहले हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर एक्सटेंट देखेंगे, फिर स्प्लिटिंग देखेंगे, फिर रिलेशनशिप देखेंगे, उसके बाद हम इसकी किस किस से ये पेयर्स करते हैं वो देखेंगे। सो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया डिफिनेशन। इट इज़ अ फाइबरस शीट सिचुएटेड डीप टू क्लेवी पोर्शन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर। ये फाइब्रस शीट है जो कि क्लेविकुलर पोर्शन के डीप में होता है, पेक्टोरलिस मेजर में, ठीक है। अब इसका एक्सटेंट को देखते हैं, एबव और बिलो कहाँ कहाँ, ये इसके एबव क्या होता है, इसके बिलो क्या होता है। इसके एबव क्लेविकल होता है, इसके बिलो एक्सिलरी फेशिया होता है। तीसरा सब टॉपिक देखते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट है अपर पार्ट, दूसरा है लोअर पार्ट। सो जो अपर पार्ट होता है वो इनक्लोज करता है सब क्लेवियस मसल्स को, और इसके दो लेमाइना होते हैं, पोस्टीरियर लेमाइना और एंटीरियर लेमाइना। जो पोस्टीरियर लेमाइना होता है वो फ्यूज करता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया एंड एक्सिलरी शीथ, ठीक है। इसको हम फिगर से भी देखेंगे अभी। और जो लोअर पार्ट होता है स्प्लिट इनटू टू लेमाइना इनक्लोजेस पेक्टोरलिस माइनर। उसके बाद जो बोथ लेमाइना होते हैं वो यूनाइट कर जाते हैं और एक्ट एज सेंसरी लिगामेंट। सेंसरी लिगामेंट का काम क्या होता है, ये एक्सिलरी फेशिया से अटैच होता है और उसके जो डोम शेप होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। चौथा जो सब टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। मीडियली ये किससे रिलेशनशिप शो करता है, लेटरली किससे रिलेशन शो करता है ये देखेंगे हम। मीडियली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ अपर इंटरकोस्टल स्पेस और लेटरली कोरेकॉइड प्रोसेस से। और पियर्स बाई किससे किससे ये पियर्स करता है वो देखते हैं हम। इसको हम याद कर सकते हैं TCLL से, टी से थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, सी से सिफेलिक वेन, एल से लेटरल पेक्टोरल नर्व, एल से लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में क्या हम देखेंगे, ये पियर्स करके जाता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एंड पेक्टोरलिस मेजर और ड्रेन करता है एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड को। अब फिगर से देखते हैं, ये हमारा है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ये अपर एंड है, हमने देखा था यहाँ पे अपर पार्ट लोअर पार्ट एबव बिलो। पहले फिगर से ये सब टॉपिक समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो हम अबव देखेंगे, अबव क्लेविकल है, बिलो एक्सिलरी फेशिया है, ठीक है। ये क्लेविकल है इसके ऊपर और बिलो एक्सिलरी फेशिया है, ठीक है। अब जो स्प्लिटिंग होती है वो दो पार्ट में होती है, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट सब क्लेवियस मसल को इनक्लोज करता है, ये सब क्लेवियस मसल है, ये इसको इनक्लोज करेगा, ये एंटीरियर लेमाइना है, ये पोस्टीरियर लेमाइना है, पोस्टीरियर लेमाइना फिर जुड़ेगा सर्वाइकल फेशिया और एक्सिलरी शीथ में, ये जाके जुड़ेगा सर्वाइकल फेशिया और एक्सिलरी शीथ में। उसके बाद नीचे यहाँ आ जाते हैं, ये अपर पार्ट डिवीज़न है, ये लोअर पार्ट डिवीज़न है। लोअर पार्ट डिवीज़न में ये देखते हैं हम, इनक्लोज करता है पेक्टोरलिस माइनर को। सो यहाँ देखेंगे हम, ये पेक्टोरलिस माइनर को इनक्लोज करेगा। ये दो लेमाइना है, एक लेमाइना ये है, एक लेमाइना ये है। सो ये दो लेमाइना आके यूनाइट कर जाएंगे और ये सस्पेंसरी लिगामेंट बनाएंगे। ये एक्सिलरी फेशिया है, हमने पढ़ा था सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट का काम होता है जो एक्सिलरी फेशिया का डोम शेप है उसको मेंटेन करना। सो यहाँ ये अटैच कर रहा है, ये हम देख सकते हैं, तो ये इसको उठा के रखेगा, मतलब डोम शेप मेंटेन करेगा। अब पियर्स बाय पियर्स क्या क्या होता है,
यहाँ से पियर्स होता है, ये हम लिम्फेटिक देख सकते हैं, ये लिम्फेटिक्स होते हैं। जो ये है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो ग्रीन वाला है, ये बीच वाला सिफेलिक वेन है, और ये नीचे वाला लेटरल पेक्टोरल नर्व है। सो ये पूरा था हमारा टॉपिक क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और नए वीडियोस के साथ फिर से आ सकूं। सो थैंक यू एवरीवन, आप पढ़ाई करते रहिए, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं हम। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।